चैनल में आपका स्वागत है। हमने यूपीएससी, नेट और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी साहित्य पर आधारित जो सिलेबस है उसके वीडियो बनाए हैं और इस बार हम महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता कुकुरमुत्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं और हम आज इस कविता की व्याख्या करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कविता को समझने से पूर्व, उसे आरंभ करने से पूर्व, हम कवि और कविता की पृष्ठभूमि को अगर जान लेंगे तो कविता को समझने में हमें आसानी होगी। तो देखिए, पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। निराला जी की कविता कुकुरमुत्ता का पाठ और उसका विवेचन करने के पहले हमें उसकी रचना प्रक्रिया को भी समझना आवश्यक है। इससे कविता के रहस्य और कविता का अनकहा हुआ भी हमारे सामने खुलने लगता है। यह मैंने एक शब्द कहा है, कविता का अनकहा हुआ, इस पर गौर कीजिए। देखिए, कविता अपनी पंक्तियों में जो कुछ कहती है उससे भी ज्यादा वह अपने उन दो पंक्तियों के बीच की खाली जगह से भी कहती है जो लिखी नहीं गई है। तो कविता की जब व्याख्या हम करते हैं, जब कविता को आत्मसात करते हैं, तो हमें लिखे हुए के साथ अनलिखे को भी समझने और पढ़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा करना पड़ती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कुकुरमुत्ता का जो रचना काल है वह 1941 से 42 के बीच का है। 1941 में ये प्रेमचंद जी की पत्रिका हंस में प्रकाशित हुई थी मई के महीने में, और 42 में जाकर के यह पूरी तरह लिखी जा सकी। बाद में इसको इसमें संशोधन परिशोधन का काम निराला करते रहे और 1948 में यह एक परिपूर्ण रूप से लिखी गई कविता के रूप में फिर सामने आती है। तो हमें इस काल का इसलिए ध्यान रखना है कि कविता में जो कुछ भी प्रतीक आए हैं, कविता में जो भी भाव आए हैं, जो विचार आए हैं, वो अपने समय का, अपने परिवेश का जो है उस पर असर ग्रहण करते हैं और उसको ही लक्ष्य करके कविता लिखी जाती है। 1942 का जो साल है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक मोड़ का काल भी है, क्योंकि जो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 में एक गदर के रूप में शुरू हुआ था, वही आंदोलन बाद में कुछ सुधारात्मक उपायों को लेकर के जरा माइल्ड हो गया, थोड़ा जो है वो उसकी प्रखरता कमजोर हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर गर्म दल आए, नरम दल आए, मॉडरेटर आए और फिर एक क्रांतिकारी जो है उसके अंदर विचार भी आए। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने उसके अंदर पूर्ण स्वाधीनता का और प्रगतिशील और लगभग समाजवादी वैचारिक अवधारणाएं भी आंदोलन के अंदर भरी। तो ये उसका क्रमिक विकास हुआ है पूरे आंदोलन का, और 1942 उसका जो है वो विस्फोटक समय है, वह अपने पीक पर है, चरमोत्कर्ष पर है। जब हम कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो और आर पार की लड़ाई जिसमें देश लड़ रहा है, उस समय यह कविता रची जा रही है। तो ये समय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1942 का समय एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उसके थोड़े पहले 1936 में हमारे देश में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन संपन्न हो चुका था और जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी और अपना ऐतिहासिक भाषण उन्होंने
अध्यक्षीय भाषण वहां से दिया था और उन्होंने रचना साहित्य हम किसके लिए रच रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि हम स्वांतः सुखाय लिख रहे हैं, बहुत पुराने काल में कविता लिखी अपने आनंद के लिए, तो व्यक्तिगत चीज हो गई, लिखते रहिए जो भी लिखना है जैसे लिखना है, अच्छा बुरा कमजोर आपका है। लेकिन जब कविता प्रकाशित होती है, जब कविता सुनाई जाती है, जब कविता एक व्यक्ति के पास से दूसरे के पास पहुंचती है, तब वह कविता निजी नहीं रहती, समाज की हो जाती है। और जो चीज समाज की हो जाती है उसके उस रचना में समाज के साथ उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं, उनमें सामाजिक सरोकारों का सवाल पैदा हो जाता है, वह समाज के साथ मिलकर कितना चल रही है ये उससे पूछा जाने का सवाल पैदा होने लगता है। तो कभी वह स्वांतः सुखाय थी, रीति काल में वह राजाओं दरबारियों के सुख के लिए लिखी जाती थी, आत्म सुख का और वहां सौंदर्य का चित्रण हो करके और आनंद और मजे के लिए आत्म सुख के लिए कविता का उपयोग होने लगा। लेकिन बाद में वह भक्तिवादी रचनाओं में बदली और वह ईश्वर को तलाशने का, धर्म को समझने का, मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को जानने का माध्यम बनी और आगे बढ़ी। और तब छायावाद में जो है वो कविता आकर के रहस्यवाद को पार करके और लौकिक प्रेम के साथ प्रकृति के साथ अपनी अनुभूतियों को जोड़ने का माध्यम भी बनी। लेकिन 1936 और उसके आसपास का समय और सबसे बड़ी बात कि 1917 में होने वाली सोवियत रूस क्रांति ने सारी दुनिया के साहित्य के सोच को बदल दिया। वहां मजदूरों, किसानों, विपन्न वर्गों, कमजोर वर्गों, स्त्रियों, दासों, गुलामों, इन सब के पक्ष में जो साहित्य खड़ा होगा वही साहित्य होगा, और जो पूंजीवादी समाज के प्रति, पूंजीपति वर्ग के प्रति, सामंती वर्ग के प्रति, महाराजाओं सम्राटों के साथ जो साहित्य खड़ा होगा वह साहित्य से ही नकार दिया जाएगा, ये विचार सामने आया। तो 1936 के बाद और 1942 का जो समय है 4-6 साल का, ये भारतीय साहित्य में प्रगतिशीलता की ओर, साम्यवाद और समाजवाद की भावनाओं की ओर, आम आदमी के पक्ष में खड़े होने की ओर बढ़ने वाले साहित्य चेतना का समय भी था। तो इसलिए इस कविता पर उस चेतना का प्रभाव भी हम देखेंगे। अब निराला छायावाद की रसीली, सपनीली और आत्म सुखानुभूति में डूबी मानसिकता को फाड़ कर बाहर आ रहे थे। छायावाद की चतुष्टयी से आप परिचित हैं, जिसमें पंत हैं, प्रसाद हैं, महादेवी हैं और निराला हैं, और वहां एक सपनीला संसार है, वहां प्रेमिकाएं खोजी जा रही हैं, वहां फूलों में, जूही की कली में और कलियों में और भौरों के साथ बातचीत हो रही है, हर जगह जो है वो एक प्रेमी और एक प्रेमिका दिखाई दे रही है, कहीं उसको लौकिक कहीं अलौकिक जैसा स्वरूप दिया जा रहा है। कविता में से यह भाव निराला आगे बढ़ते हैं, इसे पीछे छोड़ते हैं और वो प्रगतिवाद की चेतना पर अपने कदम रखते हैं, उस सपनीले संसार को त्यागते हैं, सपनीली भाषा को त्यागते हैं, भाषा की कोमलता से अपना रिश्ता तोड़ते हैं और यथार्थ का खुरदुरेपन के साथ सामने आते हैं। तो निराला युगांतकारी कवि है, युगांत युग को बदलते हैं, एक युग का अवसान करते हैं, नए युग का आरंभ करते हैं, ऐसे ध्वजवाहक, ऐसे नई चेतना को लेकर के कविता में, साहित्य में आने वाले कवि की रचना आज हम समझने जा रहे हैं। फिर आप देखिए, वे कविता में कोमलांगी नव यौवना नायिका को अपदस्थ करते हैं और उसके स्थान पर वह तोड़ती पत्थर की श्रमशील महिला को पदस्थ करते हैं, उसे लाते हैं। भिक्षुक कविता में एक दीनहीन
फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहना हुआ जो है वो आम आदमी, निर्बल आदमी, निर्धन आदमी कविता का नायक बनकर के सामने आता है। और कुकुरमुत्ता कविता में तो समूचा जो सामान्य वर्ग है, जो सर्वहारा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह उनकी कविता का एक बहुत बड़ा ताकत और शक्ति बनकर के प्रकट होता है। जब हम कुकुरमुत्ता कविता को समझने की कोशिश शुरू करें तो हमें इन सभी बातों के परिप्रेक्ष्य में और उसको समझना होगा। कुकुरमुत्ता हास्यबोध की कविता नहीं है। बहुत से लोग इसमें आनंद लेते हैं, इसकी व्याख्या करने वाले भी और व्याख्या सुनने वाले भी, कविता को समझने वाले भी, समझाने वाले भी, वो समझते हैं इसमें बड़ा रस है, बड़ा हास्य है, बड़ा व्यंग है, मजेदार कविता है। नहीं, ये मजेदार कविता नहीं है, ये त्रासदी की कविता है, ये असाधारण बनने की कविता है, साधारण का असाधारण बनना। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है और उसमें राम जो चरित्र हैं, निराला ने राम की शक्ति पूजा जैसी एक लंबी कविता और रची है। राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता एक दूसरे का द्वंद्व है। राम की शक्ति पूजा में असाधारण राम साधारण हो रहे हैं, एक दिन ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जो उसमें वो पराजय होती है, उस वो कमजोर ठहरते हैं, उनका चित्त विचलित होता है और फिर एक ताकत समेट करके और संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये निराला ही कर सकते थे, असाधारण को साधारण कोटि में लाकर फिर से उसे असाधारण बनाना। कुकुरमुत्ता में साधारण को असाधारण बनाते हैं, असाधारण के साथ उसका संघर्ष, उसका पूरा द्वंद्व वो चित्रित करते हैं इस कविता में। ये इस कविता की ताकत है। तो आधुनिक कविता सामाजिक सरोकारों के प्रति जीवंत रिश्ता बनाने की शर्त पर जन्म लेती है। यह परिवर्तन ही निराला के नेतृत्व में अपना स्वरूप ग्रहण करता है, इसलिए निराला बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इस तरह निराला कविता में विषयों के परिवर्तन के नायक, नायिकाओं के वर्ग के परिवर्तन के और काव्य रूप में कोमलता के स्थान पर यथार्थवादी खुरदरापन लाने के बदलाव वाले कवि भी साबित होते हैं। वे कविता के रचाव में छंदों की बंदिशों को तो तोड़ते ही हैं, वे विचारों में सामंती मूल्यों को भी तोड़ते हैं। जो सामंती मूल्य है, धनाढ्य होने का, सुविधाएं पाने का, ऐश्वर्य भोगने का, सुख पाने का, नौकर चाकर रखने का, उनको पर शासन करने का, ये सारे मूल्यों को भी वो ध्वस्त करते हैं और आम आदमी के स्वत्व की, स्वाभिमान की, उसके अहम की, उसके ईगो की प्रतिष्ठा करते हैं। इस तरह क्रांतिकारी चेतना के कवि के तौर पर निराला हमारे सामने आते हैं। यह कविता जो है आम आदमी को उसकी स्वाभिमानी सत्ता की स्थापना के प्रति गहरी आकांक्षा ही कुकुरमुत्ता की रचना का प्रमुख दबाव है। इसके ऊपर विचार यही है कि उस सर्वहारा वर्ग की शक्ति से उसको भी परिचित कराया जाए और दूसरों को भी उसके जो मुठभेड़ में, उसके साथ जो दूसरे पक्ष में लोग खड़े हैं, उन्हें भी अवगत कराया जाए कि ये सर्वहारा, सब कुछ हारा हुआ वर्ग, इसके पास कुछ भी नहीं है, निहत्था है, लेकिन इसके पास ताकत है, आत्मा की ताकत है, ये शक्ति है, ये समाज का निर्माण करने वाली शिल्पकार शक्ति है, दुनिया को इसने बनाया है, हर निर्माण में इस निर्बल आदमी की पसीना लगा हुआ है, उसकी उसका हाथ लगा, उसका बाहुबल लगा है, उसका मनोबल लगा है, उसकी शक्ति लगी है, हर निर्माण के पीछे वो है। इस कविता में साधारण की ताकत और उसके निजी स्वाभिमान की व्यंग्यात्मक कवियों के रूप में
सहा जाना और पढ़ा जाना ही इस कविता का एक उद्देश्य है। कुकुरमुत्ता को बड़बोलेपन के रूप में देखना एक गलत दृष्टिकोण है। बहुत से विद्वानों ने देखा कि इसमें कुकुरमुत्ता एक बड़बोला पात्र है और बड़बोलेपन में कुछ भी बोलता है। नहीं, वह बड़बोलेपन की कविता नहीं है, वह बड़बोलेपन वाला पात्र नहीं है। वह जो कुछ भी नहीं है, जिसके पास जो पूरी तरह से खाली है, अपना प्रतिष्ठा, अपने सम्मान, अपनी ताकत को भूल गया है, उसी तरह जैसे हनुमान भूल जाते थे। और जब जामवंत ने कहा काहे चुप साध रहे हो बलवाना, उसी तरह यहां तुलसीदास उसको जगा रहे हैं कि तुम चुप क्यों साधे बैठे हो, तुम्हारे अंदर तो ये शक्तियां हैं, ये ताकत है, उठो लड़ो इस संसार से अपने अधिकार के लिए, आगे आओ। यह निराला के काव्य मन की छिपी हुई नई ऐतिहासिक शक्ति का ही रूप है। और वे राम की शक्ति पूजा कविता और कुकुरमुत्ता कविता के दो भिन्न तथ्य, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, उसके द्वारा अपने रचनात्मक कौशल को अभिव्यक्त करते हैं। सृष्टि की संपूर्ण दिव्यता ही मनुष्य के जुझारूपन में समाहित होती है। निराला उसी जुझारू मनुष्य की कविता के घोषक है। मनुष्यता की दिव्यता काहे में है? उसके जुझारूपन में, संघर्ष में, लड़ाकूपन में। और निराला उस लड़ाकूपन के कवि हैं। तो कुकुरमुत्ता कविता किसानों के पक्ष में कहती है, पड़ा कंधे पर हल हूं बलराम का, और उसी के साथ अंग्रेजी राज को ललकारती है, चुनौती देती है, देख मेरी नकल है हैट, कि जो तो सिर पर हैट लगाए है, तो कुकुरमुत्ता का ही एक नकल का रूप है, और तुम्हें भी मेरी नकल करना पड़ी और सिर पर उसे स्थापित करना पड़ा। ये जो पंक्तियां आती हैं, इनके बड़े प्रतिकार थे। तो इस कविता में निराला अपने अभिजात्य सौंदर्य बोध का अतिक्रमण करते हैं। वे छायावादी भाषा और प्रतीकों से बाहर निकलकर नई काव्य भाषा का निर्माण भी करते हैं। कुछ लोगों को ये भाषा चुभती है, जब वो कहते हैं अवे सुनबे ओ गुलाब पाई जो तूने रंगो आप। ये जो अबे तोबे की भाषा है, ये बड़े कोमल हृदय वाले कवियों और सहृदय श्रोताओं को चुभती है। लेकिन एक निर्बल व्यक्ति के पास इस भाषा की कठोरता और ताकत के अलावा क्या है? यही उसका शस्त्र है, यही उसका अस्त्र है, यही उसका मनोबल है, यही उसकी ताकत है। इस भाषा की ताकत से वो संघर्ष के लिए सामने आता है। वे कविता में कथा और नाटक की दो विधाओं को अंतर्निहित भी करते हैं। कुकुरमुत्ता में एक कहानी चल रही है और संवाद भी आते हैं। कुकुरमुत्ता बोल रहा है किसी से, उसका एक आलाप चल रहा है। राजा की जो बेटी है और माली की जो बेटी है, उन दोनों के बीच में भी संवाद है। तो इसमें नाटकीयता भी है और इसमें कथा भी है। कविता में व्यंग और खुरदुरे यथार्थ के आरंभ का घोष करने वाले कवि की यह कविता कुकुरमुत्ता अपने अनेक अर्थों को खोलती है। कुकुरमुत्ता में इसलिए बड़बोलापन नहीं है, वक्रोक्तियां हैं, तीखा व्यंग है और अस्तित्वहीनों के स्वत्व का घोष है, ललकार है, इनकार है। चलिए अब हम कुकुरमुत्ता के संसार में उतरने की योग्यताओं से पूर्ण हो गए हैं तो सामना करते हैं कविता के यथार्थ और उसके मंतव्यों का। निराला जी की कविता शुरू कर रहे हैं। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए, देसी पौधों भी उगाए, रखे माली कई नौकर, गजनवी का बाग मनहर,
लग रहा था। एक नवाब साहब थे, वही सामंती पृष्ठभूमि, उन्होंने फारस से गुलाब, खास प्रकार के गुलाब की कलम बुलवाई, नस्ल बुलवाई और उसके लिए एक बगीचा बनवाया। वहाँ बहुत से नौकर चाकर रखे ताकि वो उसकी देखभाल करें बगीचे की और वहाँ गुलाब लगाया जाए। तो ये यहाँ से एक कहानी आरंभ होती है। एक सपना जग रहा था सांस पर तहजबी की, गोद पर तरतीब की। उनके मन में एक सपना उत्पन्न हो रहा था कि मैं, यहाँ एक बाग होगा, उसमें गुलाब खिलेंगे और तरह तरह के खुशबुओं वाले अनोखे गुलाबों से उनकी यह बाड़ी महकेगी। क्यारियां सुंदर बनी चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा। अब कारोबार शुरू हुआ बाग बगीचे का, क्यारियां बनी सुंदर सुंदर, उसमें जो है कई तरह के पेड़ पौधे लगे, गुलाब भी लगा, दूसरे पौधे भी लगे और इन सब से पूरा बगीचा खुशनुमा लगने लगा, खूबसूरत और सुंदर लगने लगा। बेला गुलशब्बी चमेली कामिनी, जुही नरगिस रात रानी कमलनी, चंपा गुल मेहंदी गुल खैरू गुल अब्बास, गेंदा गुल दाऊदी निवार गंधराज, और कितने फूल फव्वारे कई, रंग अनेकों सुर्ख धनी चंपई, आसमानी सब्ज फिरोज सफेद जर्द बादामी बसंत सभी भेद। अब इसमें बहुत सारे फूलों के नाम, उनके पौधों के नाम कवि ने दिए कि ये सब लगाए गए, उनके बहुत से रंगों का यहाँ पर कवि ने चित्रण किया। इस तरह से रंग बिरंगा बगीचा बन रहा है, किसका? नवाब साहब का। फूलों के भी पेड़ थे आम लीची, फलों के भी पेड़ थे आम लीची संतरे और फाल से। केवल अब छोटा मोटा बाग तो था नहीं, नवाब साहब का बाग कई एकड़ों वाला होगा, फूल भी लगे हैं फल भी लगे हैं। चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, लगे लगकर हवा चलती मंद मंद, चहकती बुलबुल मचलती टहनियां, बाग चिड़ियों का बना था आशियां। अब बगीचा हुआ, फूल हुए फल हुए पेड़ हुए, तो वहाँ बुलबुलें आई चिड़ियाएं आई और उन सबका भी संसार वहाँ बसने लगा। साफ राह सरा दोनों ओर, दूर तक फैले हुए कुल छोर, बीच में आराम गाह दे रही थी बड़प्पन की था। ओर छोर लंबा चौड़ा बाग बगीचा और बीच में एक आराम गाह थी जहाँ उसका आनंद उठाने के लिए जहाँ जाकर बैठा जा सके, घूमा जा सके, ठहरा जा सके, रुका जा सके, वो जगह भी नवाब साहब ने बनवाई थी। और इस तरह से उन्होंने अपना बड़प्पन, अपनी ताकत, धन की ताकत का इजहार किया था। कहीं झरने कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन नकली कहीं झाड़ी। इसके अलावा वहां उन्होंने क्या किया, कुछ झरने भी तैयार कराए, पहाड़ भी बनवाए और कहीं साफ सुथरा बगीचा भी था और कहीं नकली झाड़ियां भी थी, कि एक पूरे जंगल का, जो जंगल जिस तरह से प्राकृतिक रूप से उगता है, वो भी परिदृश्य दिखाई दे। आया मौसम खिला फारस का गुलाब। अब देखिए, लगाया गया था फारस से बुलाकर, सेवा शुश्रूषा की गई, पानी वानी खाद वाद दिया गया। अब जो है मौसम आया गुलाब खिलने का और फारस से आया हुआ वह गुलाब खिला। बाग पर उसका पड़ा था रोबो दाप, और वो इतना खूबसूरत था, इतना सुगंधित था, इतना आकर्षक था कि सारे बगीचे पर अगर कोई चीज दिखाई देती थी तो वो गुलाब का फूल
और उसका रोब दाग ही नजर आता था। वहीं गंदे पर उगा देता हुआ बुत्ता पहाड़ी से उठे सिर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता। देखिए इस द्वंद्व को देखिए कि एक तरफ इतनी सेवा शुश्रूषा तैयारी के बाद गुलाब उगे और सब गुलाब पर जब दृष्टि रखे हुए थे तो वहीं पर जो है देता हुआ बुत्ता, बुत्ता देना एक मुहावरा है, ये इलाहाबाद की जो भाषा है उत्तर प्रदेश की वहां से इसका रिश्ता है, बुत्ता देना यानी चकमा देना। तो वहां पर बाग बगीचे में कोई कचरा ना हो, कोई गंदा पौधा अजाना अज्ञात पौधा वहां ना उगे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था, पर इन सबको चकमा दे करके और वहां एक कुकुरमुत्ता का पौधा उगाया और उसने अपना सिर उठाया ऐंठ कर बोला, अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो तूने पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। और उस कुकुरमुत्ते ने क्या कहा, अरे गुलाब सुन जो तूने खुशबू रंग और अपनी चमक पाई है इस पर ज्यादा मत इतरा, तूने खाद का खून चूसा है और तू पूरी तरह से अभद्र है, अशिष्ट है, दूसरों का शोषण करने वाला है और एक तरह से तू कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, पूंजीपति है, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम, हाथ जिसके तू लगा पैर सिर पर रखकर वो पीछे को भागा, औरत की जाने मैदान यह छोड़कर तबेले को टट्टू जैसे तोड़कर, शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। अब कुकुरमुत्ता गुलाब से क्या कह रहा है कि तूने बहुतों को अपना गुलाम बना रखा है, अर्थात ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुलाब की सुगंध के पीछे पागल हैं, गुलाब के इत्र से बिना उनका जो है वो घर से निकलना संभव नहीं है, तुम्हारे गुलाम बन गए हैं और तुमने अपने लिए एक माली करके रखा, उसने तुमको ठंड लगी तो धूप दिखाई, धूप लगी तो जाड़ा वाली जगह ठंडी जगह लाके छाया दिलाई, इस तरह अपने बहुत से नौकर चाकर तुमने रखे। ये गुलाब यहां जो है सामंतवादी वर्ग का प्रतीक है, जिसके हाथ तू लगा वो सिर पर पैर रखकर भाग रहा है, अर्थात जो है अगर गुलाब जिसको मिल जाए, गुलाब की खुशबू मिल जाए, गुलाब के प्रति जिसके अंदर आसक्ति पैदा हो जाए, फिर वो सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, वह किसी स्त्री के पीछे भागता है और उसे गुलाब की खुशबू से प्रसन्न करना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई टट्टू तबेला तोड़कर अपनी आजादी के लिए भागता है। और इसलिए तुम शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तुम उनके प्यारे रहे, क्योंकि इतनी बड़ी देखभाल के बाद तो गुलाब उगता है, चाहे जहां नहीं उग सकता, इसलिए तुम साधारणों से रहे न्यारे, आम आदमी से तुम दूर रहे, क्योंकि तुम अमीरों के प्रिय बने रहे, तो जो अमीरों का प्रिय होगा वो आम आदमी का प्रिय नहीं बन सकता। वरना के तेरी हस्ती है पोच तू, तो कुकुरमुत्ता बोलता है वरना अन्यथा तेरा कोई अस्तित्व ही कहां है, तू तो पोचा है, कांटों ही से भरा है यह सोच तू। जरा अपने शरीर को देखो, बदन को देखो, कांटों से भरे हुए हो, कोई तुम्हारे अंदर जो है सुरखाब के पर नहीं लगे हैं, कली जो चटकी अभी सूख कर कांटा हुई होती कभी, अगर अभी अभी जो तुम्हारे अंदर इस पौधे में गुलाब की कली चटक करके खिली है, ये सूख कर कांटा हो गई होती, अगर इसको समय पर पानी न मिलता, समय पर छाया न मिलती, समय पर धूप न मिलती,
देखभाल न होती, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। कपूर मुत्ता क्या कह रहा है गुलाब से कि तुम पर रोज घड़ों से लाला करके पानी डाला जाता रहा, तुम शीतल बने रहो, तुम्हारे चारों ओर की जमीन में ठंडक रहे ताकि तुम्हारा जीवन, कोमल जीवन वहां जिंदा रह सके। तू हरामी खानदानी, हरामी क्या होता है? जो अपने पिता की जारज संतानें होती हैं वो हरामी कहलाती है। ये कलम लगती है ना, कलम गुलाब की, एक से काट के दूसरे में ग्राफ्टिंग कर दी गई तो दूसरे पौधे के तने से पैदा हो निकल पड़ा। तो जिसका अपना कोई खानदान नहीं है, जो अपने पितृत्व कुल से निकलकर न जाने किन किन दूसरे कुलों में पैठ बना करके और पैदा होता रहा, खुल नया रूप नया रंग पाता रहा, तो उसको तो हम कभी खानदानी कह ही नहीं सकते। तो कुकुर मुत्ता उसको कह रहा है तो खानदानी नहीं है। चाहिए तुझको सदा महरुन्निशा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा। तुम्हें तो हमेशा एक महरुन्निशा की जरूरत रहती है। ये महरुन्निशा कौन है? ये महरुन्निशा वही नूरजहां है जो जहांगीर के साथ विवाह करके और हिंदुस्तान के तख्त ताज पर नूरजहां के नाम से काबिज हुई थी। नूरजहां की मां उस महल में बेगमों के नहाने के पानी को तैयार करती थी, गुलाब के फूलों को पानी में डालकर सुगंधित बनाती थी, हमाम में फूल डाले जाते थे, फिर हरम की शाही बेगमें उसमें नहाती थी। और महरुन्निसा एक छोटी सी लड़की थी जो अपनी मां के साथ काम पर जाती थी और देखती थी। एक दिन उसने देखा कि उस हमाम में जिसमें बेगमें नहाती हैं, गुलाबों के बीच से एक तैलीय पदार्थ सा तैर रहा है। एक छोटी 8-12 साल की बच्ची के दिमाग में ये बात घर कर गई कि ये क्या है। और बाद में उसके अंदर यही बात इतना ज्यादा उसको प्रेरित करती रही कि अंततः जो इत्र का ईजाद किया, आविष्कार किया, वो महरुन्निसा ने किया। तो यहां वही संदर्भ आया है कि तुमको तो कोई ना कोई महरुन्निसा चाहिए जो तुम्हारा इत्र बनाए। और जब इत्र बन गया तो हजारों फूलों को हमाम में डालने की जरूरत खत्म हो गई, इत्र की चंद बूंदों से पानी सुगंधित होने लगा। ये काम महरुन्निसा ने किया था। बहाकर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंड पेलते हो चूहे, जवां पर लफ्ज प्यारा। इत्र लगा करके, नवाब बन करके, सुंदर कपड़े पहन करके लोग घूम रहे हैं, अंदर रोटियां तक नहीं है खाने के लिए, लेकिन दिखावा इतना है कि गुलाब का फूल, गुलाब का इत्र, गुलाब से सुगंधित होकर के ऐसे लोग समाज में घूमने के लिए निकल पड़े हैं। तो तुमने जो है लोगों की जो है ये स्थिति कर दी, ऐसा बना दिया कि तुम्हारे चक्कर में एक दिखावा करने वाले लोगों का समाज पैदा हो गया। देख मुझको मैं बढ़ा डेढ़ बालिस्त और ऊंचे पर चढ़ा। कुकुर मुत्ता कहता है मेरी ओर देखो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, माली वाली नौकर चाकर खाद बात की, मैं तुमसे देखते देखते डेढ़ बालिस्त और ऊंचा हो गया। और अपने से उगा मैं बिना दाने का चुगा मैं, और मैं अपने आप उगा हूं, मैं स्वयंभू हूं, मुझे कहीं से लाकर लगाया नहीं गया, मुझे दाना नहीं चुगाया गया खाद का, मैंने अपना भोजन अपना जीवन खुद रचा है बनाया है, मैं अपने निर्माण का निर्माता हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं। कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जपता, तू है नकली मैं हूं मौलिक, तू है बकरा मैं हूं कौलिक।
कुकुरमुत्ता गुलाब से कह रहा है कि देखो मेरी कलम अलम नहीं लगती, मैं नकली आदमी नहीं हूं, तुम नकली हो, मैं तो मौलिक हूं, मूल रूप में हूं, मेरी कलम नहीं लगाई जा सकती। और तुम बकरे हो, मैं कौलिक हूं, कौलिक यानी कसाई, तू क्या बकरा, मैं अभी काट सकता हूं तेरी गर्दन, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत है, तुम में नहीं है, तुम तो कोमल हो, झड़ जाओगे। तू रंगा और मैं धुला, तुम रंगे हो क्योंकि तुम्हारा रंग कहीं गुलाबी है, कहीं लाल है, कहीं जो है वो नीला है, काला गुलाब भी होता है, तो तुम तो रंगे हुए हो, रंगा हुआ सियार जैसे मुहावरा है। मैं धुला, कुकुरमुत्ता का रंग सफेद होता है, तो वो कहता है लेकिन मैं धुला हूं, साफ सुथरा हूं, रंगहीन हूं, पानी मैं, तू बुलबुला, मैं पानी हूं जो कभी खत्म नहीं होता, तुम पानी में पैदा होने वाले बुलबुले हो, जरा देर के लिए तुम्हारी चमक दमक है, गायब हो जाएगी। तूने दुनिया को बिगाड़ा, मैंने गिरते को उभाड़ा, तुमने इस दुनिया को बिगाड़ने का काम किया, उन्हें अपने सौंदर्य में, अपने गंध में, अपने रस में डुबो करके जिंदगी में मेहनत करने, श्रम करने, पसीना बहाने से तुमने जो है उनको बहकाया, दूर किया, लेकिन मैंने उन्हें उभाड़ा, उन्हें कहा कि अपने आप पर गर्व करो, अपनी ताकत पर गर्व करो, श्रम करो, मेहनत करो, निर्माण करो, दुनिया बनाओ। तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक की दो तीन की मैंने गुण सुनाकर, तूने लोगों को जनखा बना दिया, जनखा मतलब हिजड़ा, जो सजे हुए हैं, संवरे हुए हैं, अपने आप के सौंदर्य वान बनाने के काम में लगे हैं, इत्र लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, सज रहे हैं, स्त्रियों जैसे सजावट के प्रति उनके मोह में तुमने उनको डाल दिया है, लेकिन मैंने तो उनको एक की दो तीन दी, उनकी रोटियां तुमने छीन ली, अब वो तो सजे संवरे लोग हैं, अब वो मिट्टी खोद नहीं सकते, हल चला नहीं सकते, तो रोटी उगाने के, रोटी बनाने के, रोटी पाने के परिश्रम से महरूम हो गए, पर मैंने उनको एक की दो तीन दी। कई परतें होती हैं कुकुरमुत्ता की, गोल रोटियों से प्रतीक है। काम मुझी से सदा है, शेर भी मुझसे गधा है। गुरुमत्ता कहता है जो काम मुझसे हो सकते हैं वो किसी और से नहीं हो सकते, यहां तक कि शेर भी मेरे सामने गधे से ज्यादा बड़ी औकात नहीं रखता। चीन में मेरी नकल छाता बना, छत्र कमल का वहां कैसा तना। कुकुरमुत्ता अगर आप देखें तो उसका आकार एक छत्ते की तरह होता है, तो जो छाता है वो कहते हैं चीन ने सबसे पहले छाता बनाया, वो मेरी नकल की है, और जब चीन ने मेरी नकल की तो भारत को कितना गर्व हुआ कि हमारे यहाँ के कुकुरमुत्ते की नकल पर चीन ने छाता बना लिया। सब जगह तू देख ले आज का फिर रूप पैरा शूट ले। वो कहते हैं गुलाब तुम और जगह देख लो भैया, छत्ता पर नहीं, आजकल जो पैरा शूट बनने लगा है वो भी मेरा ही एक रूप है, विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूं, चक्र गोल होता है। काम दुनिया में पड़ा जो वक्र हूं, इस बेईमान और जहरीली दुनिया में मुझे आना पड़ा, इसलिए थोड़ा वक्र भी हूं, टेढ़ा हूं। उलट दे मैं ही जसोदा की मथानी, अगर मुझको उल्टा कर दो तो मैं माँ यशोदा की मथानी बन जाऊंगा, जिससे वो दूध दही मक्खन जो है वो निकाला करती थी। और भी लंबी कहानी सामने ला कर मुझे बेंडा, देख केंडा तीर से खींचा धनुष में राम का। कुकुरमुत्ता कहता अभी और भी कहानी है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जो है वो आड़ा कर दो बेंडा, और तब मैं राम का धनुष से खींचा हुआ तीर बन जाऊंगा। पड़ा कंधे पर हूं हल बलराम का, और बलराम अपने कंधे पर जो हल रखते हैं, किसानों का प्रतीक है हल, मैं ही
वो हल हो। सुबह का सूरज हूं मैं ही, चांद मैं ही शाम का, कलयुगी में ढाल, नाव का मैं तला नीचे और ऊपर पाल। और भी रूपों का वर्णन करता है कि मैं सुबह का सूरज हूं, सूरज गोल होता है, शाम का चांद हूं, चांद गोल होता है, कलयुग की ढाल हूं, ढाल युद्ध के लिए काम में आती है, और नाव का तला पेंदा वह भी मेरे ही आकार का होता है, और नाव के ऊपर जो पाल होती है वह भी अगर देखोगे तो तुम्हें उसमें भी मेरा रूप दिखाई देगा। मैं ही डांडी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तौलती गल्ला। तराजू का जो पल्ला है वो भी मैं ही हूं, और उसी से गल्ला तौला जा रहा सारी दुनिया में। मुझसे मूछे मुझसे कल्ला, मेरे उल्लू मेरे लल्ला, कहें रुपया या अधन्ना, हो बनारस या नवन्ना, रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता। कुकुर मुत्ता ने अपने आकार प्रकार रूप रंग के बहुत से उदाहरणों का यहां प्रयोग किया है, और इस तरह गुलाब को छोटा दिखाया है। लगाता हूं पार मैं ही, डुबाता मझधार मैं ही, डब्बे का मैं ही नमूना, पान मैं ही चूना। कुकुर मुत्ता कहता है मैं ही लोगों को पार लगाता हूं, चप्पू हूं मैं जो नाव खे करके उस पार जाती है, और डुबाता मझधार मैं ही, अगर किसी को डुबाना हो तो मझधार में डुबाने वाला भी मैं ही हूं, मैं ही उतार सकता हूं, मैं ही डुबा सकता हूं। डब्बे का मैं हूं नमूना, डब्बा गोल होता है, पान मैं ही चूना, पान का आकार भी मिलता जुलता है। मैं कुकुरमत्ता हूं पर बेंजाइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे। अब वो कहता है कि मैं कुकुरमुत्ता तो हूं लेकिन वैसा ही हूं जैसे बेंजाइन जैसा महान दर्शन शास्त्री दर्शन शास्त्र का निर्माण करता था। ओम फलक और ब्रह्मा वर्त, वैसे ही दुनिया के गोले और पर्त। हिंदुस्तान का नाम भारत होने से पहले एक और था, ब्रह्मावर्त। मैं ही ब्रह्मावर्त हूं, आवर्त यानी गोला, ब्रह्म का गोला, गोलाकार आकार, पृथ्वी का, भूगोल का, और जैसे दुनिया की का गोला है, गोल है दुनिया, उसकी परत गोल है, मैं भी गोल हूं। जैसे शुक्लन और साड़ी, जो सफाई और गाड़ी, कॉस्मोपोलिटन और मेट्रोपोलिटन, जैसे फ्रायड और लीटन, फेलसी और फलसफा, जरूरत हो और रफा, सरस्ता में फ्रॉड, कैपिटल में जैसे लेनिन ग्राग, सच समझ जैसे रकीब, लेखकों में लंट जैसे खुश नसीब। और भी उदाहरण देते हैं यहां, मनोविज्ञानी फ्रायड का, फेलिनी जैसे फिलोसोफर का, और उन्होंने कहा कि अगर राजधानियां देखनी है तो जैसे राजधानियों में रूस की राजधानी लेनिनग्राद का जलवा है, वैसा मेरा भी महत्व है। मैं डबल जब बना डमरू, अगर मुझको डबल कर दो तो मैं डमरू बन जाऊंगा, एक बगल तब बना वीणा, और अगर उसको हम बगल में ऐसा रख लें तो वीणा का आकार तैयार हो जाएगा। मंद्र होकर कभी निकला कभी बनकर ध्वनि चीना, मैं पुरुष में ही अबला, मैं मृदंग और मैं ही तबला, चुन्ने खां के हाथ का मैं ही सितार, दिगंबर का तानपुरा, हसीना का सुरबहार, मैं ही लायर, लिरिक मुझसे ही बने। अब कवि ने उसको अनेक वाद्य यंत्रों के आकार प्रकार के साथ कुकुरमुत्ता की तुलना की है, तुलना अपने रंग रूप आकार प्रकार का और मामला बढ़ाते जा रहे हैं, और इसमें चुन्ने खां और दिगंबर, हसीना जैसे कलाकारों के नामों का भी प्रयोग कवि ने किया है। संस्कृत, फारसी, अरबी, ग्रीक, लैटिन के जने, मंत्र, गजलें, गीत मुझसे हुए शैदा,
जीते हैं, फिर मरते हैं, फिर होते हैं पैदा। वे कहते हैं कि तमाम प्रकार की जितनी भी भाषाएं दुनिया में हैं, जितने मंत्र हैं, गीत हैं, गजलें हैं, वो सब मुझ पर ही कुर्बान हैं और वो बार बार जीते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं। वायलिन मुझसे बजा, बेंजो मुझसे सजा, घंटा घंटी ढोल डफ घड़ियाल, शंख तुरही मजीरे करताल, कर्नेट क्लेरियनेट ड्रम फ्लूट गिटर, बजाने वाले हसन खां बुद्ध पीटर, मानते हैं सब मुझे ये बाएं से, जानते हैं दाएं से। अब उन्होंने कुछ और विदेशी देशी वाद्य यंत्रों की जानकारी दी है कुकुर मुत्ता ने कि इन सब को किसी को बाईं ओर से बजाया जाता है और किसी की जानकारी दाहिनी ओर से पाई जाती है। ताता धिन्ना चलती है जितनी तरह, देख सब में लगी है मेरी गिरह, नाच में यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला, कथक हो या कथकली या बाल डांस, क्लियोपेट्रा कमल भौरा कोई रोमांस, बहेलिया हो मोर हो मणिपुरी गरबा, पैर माझा हाथ गर्दन भौहे मटका, नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन, सब में मेरी ही गढ़न। जितने प्रकार के नृत्य हैं देसी विदेशी, उन सब में भी मेरे ही रूप स्वरूप को तुम देख सकते हो। किसी भी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता है उसमें ताव, मैंने बदले पैतरे जहां भी शासक लड़े, पर मैं प्लोरेटेरियन झगड़े जहां, मियां बीबी के क्या कहना है वहां, नाचता है सूदखोर जहां कहीं ब्याज डुचता, नाच मेरा क्लाइमैक्स को पहुंचता। और फिर कई तरह के संघर्षों की जानकारी कर देते हुए प्लोरेटेरियन की भी बात करते हैं। प्लोरेटेरियन यानी जो किसान मजदूर वर्ग है उसके लिए जो है मैं संघर्ष का प्रतीक हूँ। नहीं मेरे हाड़ कांटे काट का, नहीं मेरा बदन आठो गांठ का, कुकुर मुत्ता कहता जरा मेरे शरीर को देखो, ना तो मेरे में हड्डी है, ना कांटा है, ना लकड़ी है काठ यानी लकड़ी, और ना मेरे बदन में गठाने हैं जैसे तुम्हारे बदन में। रस ही रस में हो रहा, सफेदी का जहन्नम रो कर रहा, और मैं मेरे अंदर रस ही रस है, तोड़ोगे छुओगे हाथ में जो है मेरा रस ही आएगा, कठोरता नहीं आएगी, और इतना सफेद हूं कि जहन्नम इसके लिए रोता है तरसता है कि उसकी कालिख में मेरी जरा सी सफेदी मिल जाती। दुनिया में सबने मुझी से रस चुराया, रस में मैं डूबा उतराया, मुझी में गीत गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने, मुझी से पोथे निकाले भास काली दास ने, टुकुर टुकुर देखा किए मेरे ही किनारे खड़े, हाफिज रवींद्र जैसे विश्व कवि बड़े। संसार के बड़े बड़े रचनाकार कवियों ने जो कुछ भी रचा है और उसके अंदर जो रस है वो मेरे ही कारण पैदा हुआ। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टीएस इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वाले ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहा लिख दिया जहां सारा, जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोका नहीं रुकता जोश का पारा। पर उन्होंने आयरिश कवि टीएस इलियट के ऊपर एक व्यंग किया है कि उसने भी न जाने कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाले मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि उसने इधर उधर की बातें जोड़कर लिख डाली और लोगों ने दिल थाम के उसकी प्रशंसा की। यहीं से यह कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ, मेरी सूरत के नमूने पिरामिड, मेरा चेला था यूक्लिड, रामेश्वर मीनाक्षी भुवनेश्वर जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर, मैं ही सबका जनक जेवर जैसे कनक। जितने मंदिर हैं उनके कलश हैं तंगूरे हैं, उन सब में भी मेरा आकार प्रकार है और वो सब मेरा ही रूप है, मुझसे ही सब बना है, जैसे सोने से सारे जेवर बनते हैं
वैसे ही मुझसे ये सारा सब कुछ बना। हो कुतुब मीनार, ताज आगरा या फोर्ट चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, मस्जिद बगदाद, जुम्मा अलबत्ता, सेंट पीटर्स गिरजाघर हो या घंटाघर, गुंबदों में, गढ़न में मेरी मुहर। अब चाहे कुतुब मीनार देखो, मस्जिद देखो, मीनारें देखो, किले देखो, सेंट पीटर्सबर्ग का वह प्राचीन स्मारक देखो, सब में तुमको मेरा ही रूप रंग मिलेगा। एरियन हो या पर्सियन या गॉथिक आर्च, पड़ती है मेरी ही टार्च। अब वास्तुकला में चाहे वो एरियन हो, पर्सियन हो या गॉथिक हो, वो जो आर्च है, जो गोलाकार है, उस पर मेरी ही टार्च पड़ती, मतलब मेरे ही रोशनी से वो बना है। पहले के हो, बीच के हो या आज के, चेहरे से पिद्दी के हो या बाज के, चीन के, फारस के या जापान के, अमेरिका के, रूस के, इटली के, इंग्लिस्तान के, ईंट के, पत्थर के हो या लकड़ी के, कहीं की भी मकड़ी के, बुले बुने जाले जैसे मका, कुल मेरे छत्ते के हैं घेरे। अब चाहे दुनिया के किसी भी इलाके में कोई भी मकान बना हो, कोई भी काम किया गया हो, वो सब के सब उसका जो घेरा है, गोलाकार है, वो मेरा ही आकार है। और आखिरी बंद है इसका, सर सभी का फांसने वाला हूं ट्रैप, ट्रैप एंड जाल, टर्की टोपी, दुपलिया या किश्ती कैप, और जितने लगा जिनमें एक्स्ट्रा या मेट, देख मेरी नकल है अंग्रेजी हैट, घूमता हूं सर चढ़ा, तू नहीं मैं ही बड़ा। कुकुर मुत्ता उसे कहता है, देखो मैं सबको फांसने वाला ट्रैप, अच्छे अच्छे आके मेरे ट्रैप में फंसते हैं, जाल में फंसते हैं, और वो जो तुर्की टोपी है गोल वाली, या जो दोपलिया खादी की टोपी है, या किश्ती की कैप है किश्ती जैसी, ये सब मेरे ही आकार प्रकार का रूप है, और मैं सबके सिर पर घूमता हूँ, और मैं ही सब पर चढ़ा हुआ हूँ, और देखो मैं तुमसे और से जो देख रहे थे अधगड़े, जगह गंदी रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लंतरानी, बिलबिलाते कीड़े बिखरी हड्डियाँ, सेलरों की परों की थी गड्डियाँ, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए ठंडे। अब देखिए, पहले भाग में त्रिपाठी जी ने, निराला जी ने ये बताया था कि एक नवाब ने एक बहुत बड़े लंबे चौड़े भूभाग पर अपना एक शानदार बाग लगवाया, तरह तरह के उसमें गुलाब के फूलों के कलमे लगवाई, दूसरे तमाम प्रकार के फूल लगवाए, फलों के वृक्ष लगवाए, और उसके अंदर आरामगाह भी बनवाई, बहुत सारे नौकर चाकर रखे, माली रखे। अब जब ये सब किया तो बाजू में, बाग के बगीचे के बाजू में एक ऐसी बस्ती भी बस गई जो उन नौकरों चाकरों के रहने का स्थान थी। वहाँ झोपड़े थे, झुग्गियाँ थी, बाग बगीचा जितना खूबसूरत, जितना सुंदर, साफ सुथरा था, वो झोपड़ी झुग्गी मनुष्यों के रहने की जगह उतनी ही ज्यादा वह बर्बाद और दुर्गंध से, गंदगी से भरी हुई। ये विपरीत विरोधाभासी जो दृश्य जो हैं, वही कविता का एक भाग और दूसरे भाग के तौर पर, जिंदगी के एक हिस्से और दूसरे हिस्से के तौर पर निराला जी ने हमारे सामने रखा है। तो अब ये जो झोपड़े हैं, वहां पर गंदगी है, पानी सड़ रहा है, ठहरा है, ठीक से नालियां नहीं हैं, साफ सफाई नहीं है, कहीं पंख पड़े हैं, कहीं छिलके पड़े हैं, कहीं कंडे सूख रहे हैं, क्योंकि जैसा साधारण निर्धन लोगों का जीवन होता है, उसी के अनुरूप वो अपनी जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा कर लेते हैं। दूसरा छंद देखिए, हवा बदबू से मिली हर तरह की बसीली पड़ गई, रहते थे नवाब के खादिम, खानसामा, बावर्ची और चोबदार, सिपाही, साईस, भिश्ती, घुड़सवार, तामजान वाले कुछ देशी कहार, नाई, धोबी, तेली, तंबोली, कुमार, फीलवान,
ऊंटवान गाड़ीवान एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान। अब ये झोपड़ी का, इस बस्ती का, झुग्गियों वाले इलाके का तफसील से वर्णन करते हुए बताते हैं कि तरह तरह के नौकर चाकर थे, लंबा चौड़ा उनका जो है एक लवाजमा वहाँ मौजूद था और उसमें वो सारे लोग रहते थे, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, सब मिलजुल करके एक बस्ती बस गई थी और उसमें झोपड़ों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक ही रस्सी से किस्मत की बंधा, काटता था जिंदगी गिरता सदा, बच्चे बुढ़े औरतें और नौजवान रहते थे उस बस्ती में कुछ बागवान, पेट के मारे वहां पर आ बसे, साथ उनके रहे सोए और हंसे। ऐसी ही बस्तियों में बागवानों के मालियों के कुछ परिवार भी वहां आकर बस गए थे और उन सब लोगों के साथ ही उनकी खुशियों में, उनके दुखों में, उनके आनंद में, उनके उत्सवों में अपना जीवन रमा कर वो भी वहां जीने लगे थे। एक मालिन बीबी मोना की थी बंगालिन, लड़की उसकी नाम गोली, वह नवाबजादी की भी हमजोली, नाम था नवाबजादी का बहार, नजरों में सारा जहां फरमा बरदार। और वहां एक मालिन रहती थी और वो उसका नाम था बीबी मोना और वो बंगालिन थी, बंगला भाषी परिवार था वह, उसकी एक लड़की थी, लड़की का नाम था गोली और नवाब की जो शहजादी थी उसकी वो सहेली थी। नवाबजादी को तो अपने सामने सारे लोग अपने सेवक और नौकर चाकर ही नजर आते थे, वह और किसी को अपने बराबर का नहीं समझती थी, पर इस लड़की के साथ, उसकी समवयस्क लड़की थी, उसके साथ दोस्ती हो गई थी। नजरों सारंगी जैसी चढ़ी, पोएट्री में बोलती थी, प्रोज में बिल्कुल अड़ी, गोली की माँ बंगालिन बहुत शिष्ट, पोएट्री की स्पेशलिस्ट। अब कवि इस परिवार के बारे में थोड़ा और गहराई से बताते हैं कि ये जो लड़की थी वो सारंगी की तरह, जैसे उसके तार खिंचे हुए होते हैं उस तरह से इसका पूरा जो शारीरिक बनावट थी वह एक सारंगी की मधुरता के अनुरूप थी और वह जब बोलती थी तो लगता था जैसे कविता में बोल रही हो, काव्यमय भाषा में बोल रही हो, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो बंगला पृष्ठभूमि के कारण उसके अंदर काव्य का, संगीत का, कला का जो प्रभाव था उससे इस बच्ची की बोलचाल में भी वह कविता का प्रभाव दिखाई देता था। बातों जैसी मचती थी सारंगी वह बजती थी, जब बातें करती थी तो लगता था कोई सारंगी बज रही हो, इतने कोमल स्वर थे। सुनकर राग सरगम तान, खिलती थी बहार की जान, जब वो अपने उस सहेली से, गोली से बातें करती थी तो उसके बात करने के तहजीब से, लहजे से, उसके अंदर के संगीत से, उसके अंदर के भाषा विन्यास से बहार का, शहजादी का मन खिल जाता था, आनंदित हो जाती थी, उसे बड़ा सुकून मिलता था, अच्छा लगता था। गोली की माँ सोचती थी गुर मिला, बिना पकड़े खिंचे कान, देखा देखी बोली में, माँ की अदा सीखी नन्ही गोली ने, इसलिए बाहर वहां बारहो मास डटी रही गोली की माँ के, कभी गोली के पास। और चूंकि गोली की माँ ने अपनी बच्ची की ठीक से शिक्षा दीक्षा की थी, डांट फटकार भी लगाई थी और उससे उसको तहजीब सिखाई थी, बोलना चालना सिखाया था, बातचीत करना सिखाया था, तो उसके अंदर ये गुण आ गए थे। इन्हीं कारणों से आकृष्ट होकर के बहार, शहजादी जो है, हम बारहों महीने हर समय उसका मन होता था कि वो अपनी सहेली गोली के साथ रहे या गोली की माँ के साथ अपना समय बिताए, तो
तो उसकी बड़ी आत्मीयता हो गई। सुबह शाम दोनों वक्त जाती थी, खुशामद से तन तनाई आती थी, गोली डांडी पर पासंग वाली कौड़ी, हदीम बोट की डोंगी फिरती दौड़ी, पर कहेंगे साथ ही साथ वहां दोनों रहती थी, अपनी अपनी कहती थी, दोनों के दिल मिले थे, तारे खुले खिले थे, हाथ पकड़े घूमती थी, खिल खिलाती झूमती थी, एक पर एक करती थी चोट, हंसकर होती लोट पोट, साथ का दोनों का सिन, खुशी से कटते थे दिन, महल में भी गोली जाया करती थी, जैसे यहां बाहर आया करती थी। कवि और गहराई में उतरते हैं, दोनों की मैत्री भाव को और भी ज्यादा विस्तृत करते हैं, गहराई में जाते हैं, बताते हैं कि वे हंसती थी, खिलखिलाती थी, एक दूसरे के ऊपर ताना भी करती थी, चोट करती थी, चोट भाषा की चोट, आनंद की चोट, मजाक और हास्य बोध के साथ, और जिस तरह बाहर माली के घर में आया करती थी घूमने फिरने रहने देखने मिलने, उसी तरह ये जो गोली है वह भी अपनी सहेली बाहर के साथ उसके महल में जाया करती थी, हवेली में जाया करती थी घूमने फिरने, दोनों का आना जाना था, गहरा अपनापा था। एक दिन हंसकर बाहर यह बोली, चलो बाग घूम आए रंगोली, दोनों चली जैसे धूप और छां, गोली के गले पड़ी बाहर की बांह, साथ टेरियर और एक नौकरानी, सामने कुछ औरतें भरती थी पानी, सिट पिटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को, बाबू ने देखा हो उठती गर्दन को, निकल जाने पर बाहर के बोली, पहली दूसरी से देखो वह गोली, मोना बंगाली की लड़की। अब एक दिन बाहर ने अपनी सहेली से कहा कि देखो हमारे जो अब्बा हुजूर हैं उन्होंने बड़ा शानदार बाग लगवाया है और उसमें तमाम तरह के फूल फल पेड़ पौधे हैं, तो आज वहां घूमने चला जाए, और दोनों एक दूसरे के गर्दन में बाह डाल करके और निकल पड़े। और जब वो उस बस्ती से होकर गुजर रही हैं जहां नौकरों चाकरों की बस्ती और झोपड़े बसे हुए हैं, तो वहां पानी भरती हुई कुछ औरतों ने जब उन दोनों को देखा तो उनकी नाक चढ़ गई, उनकी भौहें से कड़ गई, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि हमारे बस्ती की कोई लड़की का इतना मोल मेल जोल किसी शहजादी के साथ हो, ईर्ष्या होती थी इससे। तो एक दूसरे से बोली, क्या बोली, ऐसे बोली भैंस भड़की, ऐसी उसकी माँ की सूरत, मगर है नवाब की आंखों में मूरत। बोले भैया ये जो गोली जा रही है इसकी माँ को देखो तो उसकी शकल ऐसे लगती जैसे भड़की हुई भैंस की शकल होती है, मगर नवाब की आंखों में तो भैया उसका जलजला है। रोज जाती है महल को जगे भाग, आंखें का जब उतरा पानी लगे आग। अब ये ईर्ष्या से स्त्रियां अपने मन से बहुत सी बातें सोच लेती हैं, वो कहती हैं महल जाती हैं इसलिए इनके भाग जाग गए हैं और इनकी आंख का पानी मर गया है, शर्मिंदगी खत्म हो गई है, लज्जा खत्म हो गई है, न जाने महल में जाकर क्या करती होगी। रोज ढोया आ रहा है माल असबाब, बन रहे हैं गहने जेवर, पकता है कलिया कबाब। और रोज महल से जेवर जेवरात सोने चांदी के ढो ढो कर माल असबाब इनके घरों में आ रहा है, खूब ठाट बाट है, और रोज कलिया कबाब इनके यहाँ बना करता है, आलीशान खाना बनता है जो हमें नसीब नहीं। ये वो स्त्रियां आपस में ईर्ष्यावश कह रही। झटके से सिर आंख पर फिर लिए घड़े, चली ठनकाती कड़े बाग में आई बहार, चप्पे की लंबी कतार, देखती बढ़ती गई फूल पर अड़ती गई, मॉल सिरी की छांव में कुछ देर बैठ बेंच पर, फिर निगाह डाली एक रेंज पर, देखा फिर कुछ उड़ रही थी तितलियां, डालों पर कितनी चहकती थी चिड़िया। इधर ये दोनों सहेलियों ने इन सब बातों को
अपने कानों तक पहुंची ही नहीं, वो उनके पास निकल गई, वो भी धीरे धीरे फुसफुसा रही थी वो औरतें, और ये बाग में आई और वहां पर उन्होंने चंपा जहां लगी हुई है कतारों में वहां से गुजरती हुई निकली, तितलियों को उड़ते हुए देखा, चिड़ियों को चहचहाते हुए देखा, मौलश्री की छांव में एक बेंच डाल दी गई थी कि कोई आए तो यहां बैठे, वे वहां कुछ देर बैठी। भौरे गूंजते हुए मतवाले से उड़ गया एक मकड़ी के फंसकर बड़े से जाले से, फिर निगाह उठाई आसमान की ओर, देखती रही कि कितनी दूर तक छोर, देखा उठ रही थी धूप, पड़ती फुनगियों पर चमचमाया रूप, पेड़ जैसे शाह एक से एक बड़े ताज पहने हैं खड़े। अब वहां भौरों के गुनगुनाहट से चल रही थी, मतवालेपन के साथ झूम रहे थे, एक जो है मकड़ी के जाले में फंस भी गया था लेकिन कोशिश करके वो वहां से निकल भागा। फिर बाहर ने आसमान की ओर अपनी निगाह उठाई और देखा कि आकाश कितना लंबा चौड़ा है, इसका इस छोर से उस छोर तक फैला है, दूर दूर तक उसका जो है कहीं किनारा दिखाई नहीं देता। और इस तरह उस बाग बगीचे में जो धूप पड़ रही थी फुनगियों पर, उससे जो चमक रहे थे पेड़ पौधे, ऐसा लग रहा था ये पेड़ पौधे नहीं है, ये बड़े बड़े बादशाह हैं, राजा हैं, नवाब हैं, जो फूलों का ताज पहनकर यहां खड़े हैं। आया माली हाथ गुलदस्ते लिए, गुलबहार को दिए गोली को एक गुलदस्ता, सूंघकर हंसकर बहार ने दिया, जरा बैठकर उठी तिरछी गली होती कुंज को चली। माली ने देखा कि हमारे बादशाह की शहजादी यहां आई हुई है, तो उसने फूल तोड़े, उनके गुलदस्ते बनाए और जाकर गोली शहजादी को भेंट किया कि आप यहां तशरीफ लाई हैं, आपका स्वागत है। उन गुलदस्तों में से एक गुलदस्ता बहार ने अपनी उस प्रिय सहेली गोली को भी भेंट किया कि मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। और फिर वो लोग वहां से, जो अंदर छोटी छोटी गलियां बनाई गई थी पौधों के पेड़ों के बीच से, उससे होते हुए बाग के अंदर चली। देखा फ्रांसीसी लिली और गुल बका वली, फिर गुलाब जामुन का बाग छोड़ा, तूतों के पेड़ से बाएं मुंह मोड़ा, एक बगल की झाड़ी बड़ी जिधर थी बड़ी गुलाब बाड़ी। वहां से उन्होंने देखा एक जगह फ्रांस के नस्ल वाली लिली के फूल छले हैं, दूसरी ओर गुल बका वली जैसा पुष्प लगा हुआ है जो सामान्यतः कहीं पाया नहीं जाता। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में गुलबकावली का फूल मिलने और वहां पाए जाने के बारे में जानकारियां हैं, और गुलबकावली के अर्क से आंखों की रोशनी को तेज करने की औषधि भी बनती है। तो ये बड़ा दुर्लभ पुष्प है, पर वहां लगाया गया था। और गुलाब जामुन का बाग, जो गुलाब के फूल थे छोटे, उनमें से एक उसकी जो नस्ल है उसका नाम गुलाब जामुन था, उस बगीचे को उन्होंने पीछे छोड़ा आगे बढ़े। तूत यानी शहतूतों के पेड़ से आगे उन्होंने देखा वहां लगा हुआ है, और एक बगल की झाड़ी में जहां गुलाब की बाड़ी बढ़ रही थी, गुलाबों का झुंड बढ़ रहा था, वो सो गए। देखा खिल रहे थे बड़े बड़े फूल, लहराया जी का सागर अकूल, दुम हिलाता भागा टेरियर कुत्ता, जैसे दौड़े गोली चिल्लाता हुआ कुकुर मुत्ता। और जब वो लोग वहां आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि यहां तो बड़े बड़े फूल खिले हुए हैं। ये देख करके जो है वो मन के अंदर का जो समुद्र है आनंद का, वो लहराने लगा, खिलखिलाने लगा, आनंद वहां भर गया। और उनके पीछे पीछे जो टेरियर जाति का नस्ल का एक कुत्ता भी चला आया था शहजादी के साथ साथ, वो भी दुम हिलाता हुआ चला जा रहा था। लेकिन उसी समय अचानक गोली की नजर पौधों के बीच में उगे हुए एक कुकुरमुत्ते के कुकुरमुत्तों के झुंड पर पड़ी,
और वो जोर से चिल्लाई, अरे कुकुर मुत्ता। उसके लिए ये बड़ी भारी बात थी। शहजादी और शहजादी के बाप के लिए गुलाब और तरह तरह के कीमती और मूल्यवान पौधे और फूलों का जो महत्व था, गोली के लिए कुकुर मुत्ते का उससे ज्यादा महत्व था। सक पकाई बाहर देखने लगी, जैसे कुकुर मुत्ते के प्रेम से भरी गोली दागी। बाहर ने देखा, इसको क्या हो गया, मेरी सहेली को ही अचानक कुकुर मुत्ता कहकर कहां दौड़ पड़ी। थोड़ा सहम कर वो खड़ी रह गई, और ऐसा कुकुर मुत्ता शब्द उसके मुंह से निकला था जैसे किसी ने गोली दाग दी। भूल गई उसका था गुलाब पर जो कुछ भी प्यार, सिर्फ वह गोली को देखती रही निगाह की धार। टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार, तोड़कर कुकुर मुत्तों को होती थी उन पर निशा। फूलों का, बहारों का, गुलाबों का आनंद जो अभी तक था वो सब बिसर गया गोली को, और वह कुकुर मुत्तों के झुंड पर टूट पड़ी, और उस तरफ वह उन्हें तोड़ तोड़ कर जमा करने लगी, उस पर न्योछावर होने लगी। बहुत उगे थे अब तक उसने कुल अपने आंचल में तोड़कर रखे, अब तक घूमी प्यार से मुस्कुराती देखकर बोली बहार से, देखो जी भर कर गुलाब, हम खाएंगे कुकुर मुत्ते का कबाब। जितने उसके आंचल में समा सकते थे वो सारे कुकुर मुत्ते गोली ने तोड़ लिए, और अपनी सहेली से कही कि तुम तो जी भर करके अपने गुलाब देखो, पर हम तो भाई इसका कुकुर मुत्ते का जो कबाब बनता है वो कबाब खाएंगे, हमें तो उसमें आनंद आएगा। कुकुर मुत्ते की कहानी सुनी उसने जीभ में बहार की आया पानी। और जब कुकुर मुत्ते के कबाब के बारे में गोली से उसने सुना कि उसका स्वाद कैसा अद्भुत होता है, तो बहार के मन में भी इच्छा जाग गई कि वह भी खाए, उसके मुंह में पानी आने लगा। पूछा, क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज, जितनी भाजियां दुनिया में इसके सामने नाचीज। गोली बोली, जैसी खुशबू इसका वैसा ही स्वाद, खाते खाते हर एक को आ जाता है बेहिस्त की याद। सच समझ लो इसका कलिया तेल का भुना कबाब, भाजियों में वैसा जैसा आदमियों में नवाब। बाहर ने पूछा कि क्या सचमुच इसमें इतना स्वाद है, जो इतनी सारे प्रकार की जो भाजियां बनती हैं, साग बनती है, सब्जी बनती है, उनमें वो स्वाद नहीं है। तो गोली ने कहा कि अरे इसके स्वाद के सामने तो सारे स्वाद बेकार हैं, इसको जब खाते हैं तो बेहिस्त की याद आ जाती है, स्वर्ग की याद आ जाती है, जन्नत की याद आ जाती है। और कुकुर मुत्ता तो भाजियों के बीच में, साग सब्जियों के बीच में इसका वही रुतबा है जो आदमियों के बीच में नवाब का रुतबा होता है। नहीं ऐसा नहीं कहते मालिन की छोकड़ी बंगालिन की, डांटा नौकरानी ने चढ़ी आंख कानी ने। और जब ये कहा कि आदमियों के बीच में जो नवाब का स्थान है वही कुकुर मुत्ता का है, तो साथ में जो नौकरानी चल रही थी उसने तुरंत झड़क दिया, डांट दिया गोली को, कहा ऐसा नहीं कहते बंगालिन की छोकरी। और वो कानी थी एक आंख से नौकरानी, अपनी टेढ़ी आंख से उसने फटकार लगाई। लेकिन ये कुछ एक घूंट लार के जा चुके थे पेट में तब तक बाहर के, इधर जो डांट फटकार चली थी उस तरह बाहर का ध्यान इसलिए नहीं गया कि तब तक तो मुंह में जो स्वाद का की कल्पना करके जो पानी आ गया था वो उसका आनंद ले रही थी। नहीं नहीं अगर इसको कुछ कहा, पलटकर बाहर ने डांटा, कुकुर मुत्ते का कबाब खाना है, इसके साथ यहां जाना है। बाहर ने उस नौकरानी को डांट दिया, है खबरदार इसको कुछ नहीं बोलो, मुझे आज जो है कुकुर मुत्ते का कबाब खाऊंगी, इसके घर जाओ। बता गोली, पूछा उसने, कुकुर मुत्ते का कबाब वैसी खुशबू देता है जैसी कि देता है गुलाब। गोली ने बनाया मुंह,
बाएं घूमकर फिर एक छोटी सी निकाली ऊं, कहा बकरा हो या दुम्बा, मुर्ग या कोई परिंदा, इसके सामने सब छू, सबसे बढ़कर इसकी खुशबू, भरता है गुलाब पानी, इसके आगे मरती है सबकी नाली। बाहर ने एक बार और पूछा, बोले सही बताओ क्या कबाब में वैसा स्वाद है अद्भुत जैसा तुम बोल रही हो, गुलाबों से बढ़कर के उसकी खुशबू और उसका आनंद आएगा। तब गोली ने कहा कि अरे ये सब कहां लगते हैं उसके सामने भाई, ये सब उसके सामने पानी भरते हैं, बहुत छोटी चीजें हैं ये, एक बार खाकर तो देखो। चाव से गोली चली बाहर उसके पीछे होली, उसके पीछे टेरियर फिर नौकरानी, पहुंचती जो आंख कानी, चली गोली आगे जैसे डिक्टेटर, बाहर उसके पीछे जैसे भुक्खड़ फॉलोवर, उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर, आधुनिक पोएट पीछे बांधी, बचत की सोचती कैपिटलिस्ट क्वैट। अब तीनों चल पड़े चारों, आगे आगे गोली जा रही जैसे वह कोई डिक्टेटर हो, जैसे वह कोई तानाशाह हो, क्योंकि आज उसके पास वो खजाना है कबाब का जो और किसी के पास नहीं है, इसलिए उसका रुतबा आज बढ़ा हुआ है। आगे चल रही है, उसके पीछे बहार है, बहार के पीछे नौकरानी है, नौकरानी के पीछे टेरियर कुत्ता है, और वो सब ऐसे पीछे पीछे जा रहे हैं जैसे भुक्खड़ लोग भोजन की तलाश में कहीं जाते हैं। झोपड़ी में जल्दी चलकर गोली आई, जोर से मां चिल्लाई, मां ने दरवाजा खोला, आंखों से सबको तोला, भीतर आ डलिए में रखे माली ने वे कुकुर मुत्ते। और घर के पास जाकर के गोली ने दरवाजे के बाहर से अपनी मां को आवाज लगाई जोर से, मां ने दरवाजा खोला, कौन कौन आया है उनको देखा, और तब माली ने उनको अपने हाथ में वो सारे कुकुर मुत्ते ले लिए और एक डलिया में अंदर ले जाकर रख दिए। देखकर मां खिल गई, निधि जैसे मिल गई, कहा गोली ने अम्मा कलिया कबाब जल्दी बना, पकाना मसालेदार, अच्छा खाएंगी बाहर, पतली पतली चपातियां उनके लिए सेंक लेना। गोली ने कहा मां अब तुम जो है इन कुकुर मुत्तों से बढ़िया मसालेदार कबाब बनाओ और पतली पतली चपातियां सेकना, आज मेरी सहेली जो बाहर है वो यही खाना खाएगी। जला ज्यों ही उधर चूल्हा, खेलने लगी दोनों दुल्हन दूल्हा, कोठरी में अलग चलकर बांदी की कानी को छलकर, टेरियर था बाराती आज का गोली का साथी। अब जब तक वहां खाना पक रहा है तब तक दोनों एक दूसरे कमरे में चली गईं और वहां वो दूल्हा दुल्हन वाला खेल खेलने लगी, और उन्होंने अपनी नौकरानी से नजर बचाकर वहां अंदर कमरे में खेलने में लग गई, और जो कुत्ता था वो बराती बना हुआ था। हो गई शादी के फिर दुल्हन बाहर से, दूल्हा गोली बातें करने लगी प्यार से, बाहर दुल्हन बनी क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत सुंदर नाजुक कोमल थी, और गोली जो है उसका दूल्हा बनी और वो उनके साथ प्रेम की बातें करने लगे। इस तरह कुछ वक्त बीता, खाना तैयार हो गया, खाने चली गोली और बहार, कैसे कहें भाव जो माँ की आंखों से बरसे, थाली लगाई बड़े समादर से, खाते ही बहार ने यह फरमाया, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। अभी वहां खेल चल ही रहा था कि माँ ने आकर बताया खाना तैयार है और चलो, और फिर माँ ने बड़े आदर से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से, शहजादी आई थी उनकी झोपड़ी में, उसे खाना खिलाया। पहला निवाला मुंह में डालते ही बहार ने कहा कि आह ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी खाया ही नहीं। शौक से लेकर स्वाद खाती रही दोनों कुकुर मुत्ते का कबाब, बांदी को भी थोड़ा सा गोली की मां ने कबाब परोसा, अच्छा लगा, थोड़ा सा कलिया भी बाद को ला दिया, हाथ धुला कर देकर पान उसको विदा किया। उस नौकरानी को भी उन्होंने थोड़ा कबाब खिलाया, और जब ये सब चलने लगे, शहजादी अपने घर वापस जाने लगी
तो थोड़ा सा कलिया कबाब जो है उसके साथ रख भी दिया कि लो इसको भी साथ लेती जाओ। कुकुर मुत्ते की कहानी सुनी जब बाहर से नवाब के मुंह में आया पानी। अब बाहर अपने घर पहुंच गई, उसने बताया कि आज तो क्या बताएं, ऐसा अद्भुत कबाब मैंने खाया जो जीवन में कभी हमारे खानसामा ने नहीं बनाया, हमारे यहां कभी बनता ही नहीं। ये सुनकर के नवाब साहब की भी मुंह में पानी आ गया कि इतनी तारीफ कर रही है, न जाने वह कबाब कैसा होगा। मांदी से की पूछताछ उनको हो गया विश्वास। माली को बुला भेजा, कहा कुकुर मुत्ता चलकर ले आ तू ताजा ताजा। माली ने कहा हुजूर कुकुर मुत्ता अब नहीं रहा है, अर्ज हो मंजूर, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब। नवाब ने कहा कि माली जाओ और बगीचे से जितने कुकुर मुत्ते हैं तोड़ कर ले आओ। माली ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा कि मालिक आपके हुजूर में मेरी गुजारिश ये है, यह मेरी जो है विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि अब वहाँ कोई कुकुर मुत्ता नहीं बचा, गुलाब ही गुलाब है, कोई कुकुर मुत्ता तो हमने लगाए नहीं थे और जो उगाए थे उनका आज कबाब बन गया है, खा लिया गया है। गुस्सा आया कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहां थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुर मुत्ता। बोला माली फरमाए मुआफ खता, कुकुर मुत्ता अब उगाया नहीं उगता। नवाब ने कहा चलो, गुस्से में आ गए कि वहां कुकुर मुत्ता ही नहीं बचा, कबाब खाने मिलेगा ही नहीं, तो वो बोले माली को फटकार लगा के बोले चलो जहां गुलाब लगाया वहां मुझे चलो और वहां पर कुकुर मुत्ते लगाओ। माली ने बड़े विनम्रता से कोमलता से कहा नवाब साहब गुलाब तो लग सकता है, मौलसिनी लग सकता है, चंपा चमेली लग सकते हैं, लेकिन जो कुकुर मुत्ते का पौधा है ये लगाने से नहीं लगता, ये तो अपने आप उगता है, इसे लगाया नहीं जाता। यहां दूसरा पार्ट कविता का पूरा होता है, लेकिन ये दोनों भाग जो हैं वो कवि के माध्यम से दो प्रकार की जिंदगी, दो प्रकार के जीवन का, दो प्रकार की मनुष्यता का यहाँ पर एक तरह से तुलना करते हैं। एक सुख सुविधाओं में, ऐशो आराम में, ऐश्वर्य वैभव में पला हुआ संसार और दूसरी ओर अभावों में, तकलीफ में मेहनत करने वाला, श्रम करने वाला सामान्य लोगों का परिवार, पर उनकी जिंदगी में कुकुर मुत्तों का स्वाद है। दूसरे के यहाँ पर धीरे जवाहरात होंगे, उनमें वो स्वाद नहीं है। और कुकुर मुत्ता जो जिसका स्वत्व है, जिसकी ताकत है, जिसकी शक्ति है, जिसके अंदर अपने आप उगने की है, उसे कोई लगा नहीं सकता, उसका कलम नहीं लगाया जा सकता, उसको उगाया नहीं जा सकता, अपने आप उगता है, स्वयंभू पौधा है, ये उसकी शक्ति है, ये उसकी ताकत है, ये आम आदमी की, मेहनत कश की, श्रमिक वर्ग की, किसान वर्ग की, शिल्पकार जातियों की यही ताकत है कि वो संसार का निर्माण करते हैं, खुद निर्धनता में जीते हैं, अभावों में जीते हैं, पर उनके पास जो प्रेम का, गहरे प्रेम का आस्वाद है, उसके सामने सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं। तो यह थी निराला की कविता कुकुर मुत्ता। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत